वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत ज्यादा मजे में होंगे और मजे में ही होना चाहिए। सो मैं रिसेंटली गई थी संडे मार्केट, चांदनी चौक संडे मार्केट लगता है, एंड वहां पे गाइस यू वॉन्ट बिलीव इट, इतनी सस्ती चीजें मिलती हैं, बट आपको थोड़ा सा सर्च करना होता है। और एक तो बहुत छोटा सा क्लिप मैंने शूट किया है, तो पहले वो देख लो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। So, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या वहां से परचेज किया है। वन बाय वन दिखाने वाली हूँ, विद प्राइस बताने वाली हूँ कि कितनी अफोर्डेबल चीजें मुझे मिली हैं, एंड बहुत 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 अमेजिंग प्रोडक्ट वहां मिलता है। एक्चुअली वो ना एक मेन मार्केट है जहां से अदर शॉप्स वाले वहां से परचेज करते हैं एंड वो सेल करते हैं। बहुत सारे ऐसे शॉप्स कीपर थे जो बोल रहे थे कि वहां पे जो है अमेजोन पे उन्होंने रजिस्टर कर रखा है, तो आपको अमेजोन पे भी वो सारी चीजें मिलती हैं अफोर्डेबल रेट में। बट गाइस अगर आप वहाँ मेन मार्केट जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या परचेज किया है। सो मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह के प्रोडक्ट तो नहीं परचेज किए हैं, बट मैंने वहाँ से कुछ यूज़फुल चीज़ें परचेज की है जो कि मुझे अमेजोन पे भी मिलती थी। बात करें सबसे पहले प्रोडक्ट की, तो ये किचन आइटम है एंड ये है गाइस चॉपर, आप देख सकते हो इस तरीके का, या अमेजोन पे आप देख सकते हैं। अमेजोन पे 250 और 200 समथिंग में ये आराम से आपको मिल जाएगा। काफ़ी इजी होता है इस तरीके से, जस्ट आप कोई भी यू नो बड़े बड़े बिजी लाइक अनियन है, टमाटो है, शिमला मिर्च है, कुछ भी रख के इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही क्विकली चॉप हो जाता है। और मैंने इसको यूज़ भी किया है, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके का है, जो अमेजोन पे देख के आपको बड़ा साइज़ लगता है ना, वो एक्चुअली में इतना ही साइज़ होता है। और आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से, तो जस्ट आपको इस तरीके से करना है। और आप देख सकते हो नीचे जो है ना इससे सी ये घूमता है और ये चॉप कर देता है। ये मुझे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला था। मैं उनको बोल रही थी, वैसे उन्होंने 150 रुपीज़ मांगा था, बट मैं 150 बोल रही थी, सो ये मुझे 100 रुपीज़ में उन्होंने दिया। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस, एंड आप भी इस तरीके से परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत ईजी हो जाता है, अगर किचन में आप काम वाम करते हैं ना तो बहुत ही ईजी हो जाता है और काफ़ी यू नो सही रहता है। सो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आप कहीं और रहते हो तो आप अमेजोन से इसे परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पे भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो अगेन एक किचन आइटम है, और ये कुछ ब्लेंडर है इस तरीके से जो कि यू नो हैंड से ब्लेंड हो जाता है। तो ये भी यू नो अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको सिर्फ इस तरीके से करना है, एंड आपकी जो भी कॉफ़ी अगर बनाना चाह रहे हैं या फिर अगर आप छाछ वगैरह बना रहे हैं तो बहुत ईजी रहता है, इस तरीके से जो है ब्लेंड हो जाता है। बट आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये प्लास्टिक है, और अगर ये टूट भी जाता है ना, लाइक ये प्लास्टिक हट भी जाता है, तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और आई गेस ये मुझे ये भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में मिला था, और 60 रुपीज़ में मिला था, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लिया था तो मुझे ऐसा बहुत अच्छे से याद नहीं है। 60 और 100 रुपीज़ के अंडर ही मिला है मुझे, तो ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ थी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो परचेज़ किया है एक आईब्रो मेकर, और आप देख सकते हो ये स्वीट सेंसिटिव ब्यूटी स्टाइलर बोल सकते हैं इसको, आईब्रोज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। और ये एक आपके पास होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज़ में मिल गया था, अमेजोन पे ये काफ़ी महंगा था, वैसे मैंने देखा था और भी वेबसाइट पे, तो ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा तो मैंने इसे नहीं परचेज किया। इसे मैंने वहाँ पे चला के भी देखा था तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसको मैंने बहुत आराम से चला के नहीं देखा है, तो इसका रिव्यू ज़रूर से मैं सिंगल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइस जो भी प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है आप मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। सो या ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ लगी मुझे, और ये बहुत ज़्यादा इसमें लाइक 2-3 चीज़ें मिलती हैं, साथ में क्लीन करने के लिए ब्रश भी मिलता है कि आपके हेयर वगैरह गिरते हैं तो। और गाइस नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो है एक स्लीपर, नॉर्मल सी स्लीपर है, बहुत ज़्यादा यू नो हाई फाई स्लीपर्स नहीं है। सो ये डेली वेयर घर में पहनने वाली स्लीपर्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 50 रुपीज़ में मिली है, लाइक बहुत ही वाव डील थी। सो मैंने इसे परचेज कर लिया, एंड या
बहुत बहुत अफोर्डेबल की है। ऑल राइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो है ये, और इसे यू नो आप कुछ भी जो है पील कर सकते हैं, इससे जो है छोटा सा चाय वगैरह बना रहे हैं तो अदरक को कद्दूकस कर सकते हैं, तो ये भी अगेन बहुत ही यूज़फुल चीज़ थी। ये मुझे 10 रुपीज़ में मिली है, ये भी मैंने परचेज कर लिया था, फिर ये भी 10 रुपीज़ का है। अगेन मैंने ये भी परचेज किया है, कुछ पकड़ने वगैरह के काम आता है, यू नो किचन में अगर आप लाइक पनीर टिक्का बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं तो इस तरीके से जो है पलट सकते हैं, या फिर कुछ भी आप यू नो लाइक टिक्की वगैरह सेक रहे हैं तो भी आप इस तरीके से जो है इसे पलट सकते हो। और ये दोनों मुझे 10 रुपीज़ की मिले, लाइक 5 रुपीज़ ईच थे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है अगेन एक कद्दूकस था, इससे भी जो है आप चाय के लिए अदरक को कद्दूकस कर सकते हैं, तो आपको बहुत बड़ा वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी किचन आइटम है और ये भी मैंने 10 रुपीज़ में परचेज किया है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो परचेज किया है ये ईयरबड। आप देख सकते हैं इसका पूरा पैकेट है, आई डोंट नो जो आपको सही से दिख रहा है या नहीं। तो ये कॉटन बड्स हैं एंड ये बहुत ही यूज़ होते हैं, लाइक अगर हम मेकअप वगैरह यूज़ करते हैं तो। इसका जो प्राइस था वो आई गेस 150 रुपीज़ था ये पूरा पैकेट, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया है वो परचेज़ किया है एक ये, और ये ना हेयर पफ जब हम बनाते हैं तो उसमें काम आता है, तो इसके साथ मैं हेयर पफ बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इसमें 2 पीस मिलते हैं एंड ये मैंने 30 रुपीज़ में परचेज किया है, तो अगेन ये बहुत ही ग्रेट डील लगा मुझे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो परचेज किया है, तो वहाँ पे VLCC का भी स्टोर है, तो मैंने VLCC से एक ब्लीच ली थी एंड ब्लीच जो है इसमें कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं था, 10% का डिस्काउंट था, तो ये गोल्ड ब्लीच है। एंड वहाँ से मैंने VLCC का एक फेशियल लिया था विच इज़ स्किन वाइटनिंग मिनी फेशियल किट, इसमें 5 स्टेप्स हैं बट ये 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हो, और इसका प्राइस 99 था, क्योंकि अभी सिंगल पीसीज अभी लॉन्च हुए हैं तो आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और गाइस, नेक्स्ट मैंने वहाँ से एक पर्स परचेज किया है, पर्स या फिर यू नो वॉलेट बोल सकते हैं इसको, छोटू सा है और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, वैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं यूज़ करती हूँ तो छोटा इजी होता है, और या आजकल पर्स में फ़ोन रखता ही कौन है, तो या जेब में फ़ोन होता है और इसमें रख सकते हैं। इसके साथ एक क्यूट सा जो पॉम्पम है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ का है। और डेट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है, ये मैंने 2 कॉम्ब परचेज की थी, और ये 20 की है यानी 40 का दोनों था, तो या अगेन ये भी बहुत ही अच्छे वाले कॉम्ब है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और आप इस तरीके के कॉम्ब को ट्राई कर सकते हैं अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए, बिकॉज इससे बिल्कुल भी आपके हेयर टूटेंगे नहीं और हेयर फॉल कम होगा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो एक हेयर क्लिप परचेज किया है, और ये टोनी एंड गाय का है, तो आप देख सकते हो तो इस तरीके का है। इससे क्या होगा कि अगर आप हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं और हेयर स्टाइल करते हैं ना, तो उसमें बहुत इजी होता है, एक्स्ट्रा हेयर को हम टक कर सकते हैं, और ये मैंने परचेज किया था 100 रुपीज़ में, और इसमें 12 पीस है। नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो कुछ सीज़र मैंने परचेज की है, और सिर्फ मैंने 60 रुपीज़ में परचेज किया है यानी 20 ईच, तो ये भी काफ़ी अच्छी हैं। राइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो परचेज किया है किचन आइटम। अगेन इसमें क्या है, आप किचन में इसको टक कर सकते हैं और इसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों 60 का ये क्योंकि ये ना सिल्वर का है तो ये थोड़ा महंगा था, तो ये मुझे 120 के 2 मिले हैं। और डेट गाइस, तो अब आ जाते हैं अपने आइटम पे। सो वहाँ से वहाँ गए और मेकअप और इयररिंग्स वगैरह नहीं परचेज किया, तो फिर क्या ही किया। और डेट तो वहाँ से मैंने 2 गजरा परचेज किया है, और आप देख सकते हो ये दोनों गजरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, 30 का ये है, तो मैंने 2 कलर में परचेज कर लिया था, तो 60 के मुझे ये दोनों मिले। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है वो ज्वेलरी पीस है, और ये ज्वेलरी पीस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सो ये आप देख सकते हो येलो कलर का है, और ये ऑनलाइन आपको 150 और 200 के अप्रॉक्स मिल जाएगा,
अमेजोन पे आप ट्राई कर सकते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसे 60 रुपीज़ में परचेज किया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप येलो कलर का कुछ भी पहनते हैं तो, या आप वेयर कर सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा यू नो अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैंने वहाँ से ये वाला सेट परचेज किया है, ये भी 60 रुपीज़ में मुझे मिला है। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड गाइस सबकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप देख के वहाँ से ले सकते हैं, लाइक आप आराम से ध्यान लगा के चेक कर सकते हैं। सो इसके साथ मुझे दो ये इयररिंग्स मिले हैं और साथ में जो है मुझे यहाँ पे एक सेट मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। इसको यू नो वेस्टर्न वेयर के साथ वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसके साथ ही मुझे एक ब्रेसलेट मिल जाता है जो कि अगेन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप वेयर करेंगे तो। या मुझे एक रिंग भी मिलती है, ओ माय गॉड 60 रुपीज़ में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सो और ये एडजस्टेबल रिंग है, सो ये भी बहुत अच्छा था और ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ में ही परचेज किया है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट इयररिंग्स जो मैंने परचेज किया है वो है ये, और ये मैंने 50 रुपीज़ में परचेज किया था। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, और ये मेरे इस पे नहीं जा रहा है, ये हल्का जो है पिंकिश शेड में है, इसमें पर्ल्स जो है वो आई डोंट नो ये ब्राउन कलर के भी पर्ल्स हैं एंड ये पिंक कलर का है, तो ये कुछ इस तरीके रानी पिंक है, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में परचेज़ किया था। सो ये झुमके इयररिंग्स बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट जो मैंने वहाँ से परचेज किया है, अगेन एक इयररिंग्स परचेज किया है, और ये इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। मैं एक बार गई थी तो मैंने छोड़ दिया था, सो इस टाइम मैंने परचेज कर लिया है, और ये रेड कलर के हैं क्योंकि रेड कलर के आउटफिट के साथ मुझे इसे वेयर करना था। सो आप देख सकते हो, और इसका प्राइस 200 था, ये आपको ऑनलाइन 800 और 1000 रुपीज़ में भी नहीं मिलेगा। इसकी क्वालिटी फिनिशिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, बट रेड कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसके और भी बहुत सारे कलर थे और ये सिर्फ और सिर्फ 200 का था गाइस, बहुत ही ग्रेट डील था। नेक्स्ट जो है मैंने एक और इयररिंग्स परचेज किया था और ये भी सिर्फ 50 रुपीज़ का, मैंने दोनों ना एक ही स्टॉल से परचेज किया था, तो ये जो है ग्रीन कलर का है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, देख के ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, सो मैंने इसको भी ले लिया था, और ये भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का था। अगेन मैंने कुछ रिंग्स परचेज की हैं, और ये रिंग्स जो है ये आप देख सकते हो ये 20 रुपीज़ की है, ये भी जो है 20 रुपीज़ के, इसमें पर्ल्स लगे हुए हैं एंड आप देख सकते हो इस तरीके का, तो ये सारे ना बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। बहुत प्यारा लगता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ ईच मुझे मिले हैं, तो 20 का ये, और मैंने और भी परचेज किया था, तो या 20 रुपीज़ का ये भी है, 20 का ये भी है, देख सकते हो इस तरीके का ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड रोज गोल्ड का परचेज किया है। तो मैंने ये सारी रिंग्स परचेज की थी जो कि 20 रुपीज़ ईच थी। तो नेक्स्ट मैंने वहाँ से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज किए थे जो कि काफ़ी यू नो ठीक लगे मुझे, वीडियो में आगे काम आएंगे, और कितने के हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी तो। ऑलराइट, नेक्स्ट मैंने वहाँ से जो है एक ब्राइडल किट भी परचेज की है, नॉट किट, इसमें कुछ भी नहीं है प्रोडक्ट, बस मैंने इसको परचेज़ किया था, और आप देख सकते हो अच्छे तरीके से पैक है। ये मेकअप किट परचेज की थी जो कि काफ़ी यू नो रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई। एक और ब्राइडल किट वहाँ से परचेज की थी, सो या वीडियो में काम आएगी, तो इसलिए मैंने ये दोनों परचेज किया था। क्या गाइस, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो यही सारी चीज़ें मैंने वहाँ से परचेज की है। आप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि अपने पैसे बचा के आप ज़्यादा सारी चीज़ें परचेज करें, थोड़े पैसे में बहुत सारी चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, कॉस्मेटिक हो, या फिर स्किन केयर हो, या फिर घर का कुछ भी आइटम हो, कुछ भी गाइस, XYZ वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। सो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे के दिन मिलता है, आप वहाँ पे हर दिन मिलता है, तो आप किसी भी दिन जा सकते हैं, बट जो मार्केट होती है ना, अदर डेज जो होते हैं वहाँ पे शॉप्स ओपन होती हैं, बट संडे के दिन शॉप्स जो हैं वो बंद रहती हैं, तो आप जाके वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। सो या यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिए, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।